हेलो वीवर्स, वेलकम इन टेक्नो भाईजान यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज हमारे पास क्रोके माइक है, इसको हम रिपेयरिंग करेंगे। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आया है कि यहाँ पर इसका जो यूएसबी पोर्ट है, ये पिन लगाने के दौरान ही अंदर चला गया। तो अब हम इसको खोलेंगे सबसे पहले और इसको हम रिपेयर करेंगे यहाँ पर आज। ये Q7 माइक है। Q7 के मैंने पहले बताया था आपको पिछले वीडियो में कि इसके डिज़ाइन चेंज है और इसमें बटन के जो ऑप्शन है वो भी चेंज है। अगर ये माइक बोलने के दौरान अगर सीटी बजाता है या उसकी बीप की आवाज़ आती है, तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद यहाँ पर इसका माइक दिया हुआ है। इस माइक को आप सीधा सही तरीके से लगाएंगे और यहाँ ध्यान रखें आप, इसके वायरिंग जो है बहुत ही बारीक है, तो आप इसको माइक को सीधा कर देंगे, सही तरीके से लगा देंगे और इसको उसी तरीके से आप बंद कर देंगे। इसको दो तरीके से खोला जा सकता है। आप ऊपर से इसको खोल सकते हैं या फिर नीचे से भी आप इसको खोल सकते हैं। जैसे अगर आपको ऊपर से खोलना है तो इसके नट वगैरह तो यहाँ पर नज़र नहीं आते सामने, देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है कि कहाँ से खोलना है। लेकिन आपको करना यह है कि यहाँ पर इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर चढ़ी हुई है, ये लेयर आप जब हटाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको इसके स्क्रू नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पर ये लेयर जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रू इसके नीचे। तो यहाँ पर 4 स्क्रू इसके ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन हमको काम जो है इसमें अभी जो रिपेयरिंग करना है वो हमको नीचे करना है, यहाँ पर हमको काम करना है, इसलिए हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर इसके अंदर दी हुई है, अगर बैटरी चेंज करना है तो भी आप इसको यहाँ से खोल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले ये लेयर हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए लेयर मैं यहाँ से इसकी निकाल रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये नज़र आ रहा है हमको कि इसके अंदर जो पिन है हमारी वो टूट गई है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको शोल्डर करके इसको वापस हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे। और अगर इसकी हालत ख़राब है तो हम यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं कनेक्टर को। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ इसको। अब यहाँ पर इसको 8 नट दिए हुए हैं, तो आप पहले ये ऊपर के 4 आप खोल लेंगे। बारीक स्क्रू इसके लिए, ड्राइवर चाहिए आपके लिए को इसके लिए। ये पूरे नट हमने इसे निकाल दिए यहाँ से। देखिए ये इजीली एकदम रिमूव हो गया यहाँ से। इसके कुछ केबल्स यहाँ पर दिए हुए, आप यहाँ से ये केबल निकाल सकते हैं। और मेन जो हमारा प्रॉब्लम है ये है, देखिए यहाँ पर ये टूट गया है, इस पर ज़ोर ज़्यादा लगने की वजह से ये टूट गया है। तो चलिए इसको हम शोल्डर करते हैं, देखते हैं।
हेलो 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 तो व्यूवर्स, आपने अभी देखा कि हमने किस तरीके से इसमें यूएसबी पोर्ट लगाया है। यूएसबी पोर्ट जिन्होंने लगाया है वो हमारे दोस्त हैं जिनका खुद यूट्यूब चैनल है एसएस मोबाइल केयर, और उनके तकरीबन 55,000 सब्सक्राइबर है। और किसी भी मोबाइल का कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो उन्हीं ने अभी ये हमारे को ये फिट करके यहाँ पर दिया है। तो आपने देखा है कि इसको हमने पूरा ओपन किया, इसको पूरा हमने बाद में फिट किया, सारे इसमें फंक्शंस देखे, बाद में हमने चेक किया, चार्जिंग भी हो रहा है और ये वर्किंग भी अब कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल टेक्नो भाईजान को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर विजिट करते रहिए। तो चलिए अब हम इसको फाइनल फिट कर देते हैं। ये फाइनल अब इसको वापस लगा देते हैं। ये कनेक्टर हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। लीजिए एक रोके माइक, फिर से हमारा रेडी है। मैं स्टार्ट करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। तो व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से हमारे वीडियोस देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।